नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब ट्रिक में। मैं आज आपको बताऊंगा रिजल ऐप के बारे में। आइए तो चलते हैं। सबसे पहले मैं उस ऐप में जाता हूं। ऐप में जाने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। देखिए दोस्तों, यहां अपनी फ़ोटो में भी इफेक्ट डाल सकते हैं और वीडियो में भी। कितने सारे इफेक्ट हैं आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ये ट्रेंडिंग में चल रहा है गूगल वाला, तो मैं इसे क्लिक करता हूँ, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ क्रिएट नाउ पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यह आपको आपकी गैलरी में ले आएगा। ठीक है दोस्तों, आपको सिंपली क्या करना है, अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है। आप यहाँ कितनी भी फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं तो आपको करके दिखा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। और फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, कितनी आसानी से हो गया। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से आप सॉन्ग ऐड कर सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कितने सारे ऑप्शन हैं सॉन्ग के लिए भी। आप यहाँ से कोई सा भी सॉन्ग लगा सकते हो। उसके बाद आप बाहर आएंगे, बाहर आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इफेक्ट का ऑप्शन दिखेगा। आप देख सकते हैं कितने सारे ऑप्शन हैं, आप यहाँ से अपनी वीडियो में इफेक्ट लगा सकते हैं। देखिए, जैसे मैं किसी एक पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए आप, ये मैंने इस पर क्लिक किया। आपको उसको प्रेस करके रखना है जहाँ तक आपको इफेक्ट लगाना है। ये देखिए, मैंने यहाँ तक इफेक्ट लगा दिया और उसके बाद सेव कर दिया। ठीक है दोस्तों, आप ये देखिए, इस तरह से आपको करना है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा हो, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ से आप अपनी सीधा गैलरी में सेव कर सकते हो और पोस्ट भी कर सकते हो। आप जैसे बाहर आएंगे, अभी रुके रहिए, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। ये देखिए, जैसे मैं बाहर आता हूँ, बाहर आने के बाद ये देखिए दोस्तों कितने सारे ऑप्शन हैं। आप यहाँ जैसे जैसे क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन दिख जाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप मूवीज़ वाले ऑप्शन पर आते हैं, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं, दिले मुश्किल, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप भी ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, आप क्रिएट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यह आपको कैमरे पर ले आएगा। आपको सिंपली अपनी फ़ोटो खींच लेनी है इसी स्टेप से, जिस स्टेप को आपको लगानी है। ये कुछ इस तरह से है। ठीक है दोस्तों, आप जैसे बाहर आएंगे व्हाट्सअप स्टेटस में, या आप यहाँ देख पा रहे होंगे कितने सारे ऑप्शन हैं। आपको सिंपली ऐसे ही बनाने हैं जैसे मैंने आपको बताया। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। आप देख रहे होंगे आजकल के इंस्टाग्राम के लिए बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट चल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे रील्स बना रहे हैं लोग। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको फ़ोटो वाला तो बता दिया उसमें कैसे इफेक्ट लग रहे हैं, अब मैं आपको वीडियो वाला बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जैसे मैं ये वाला ले लेता हूँ, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ क्रिएट ए फिल्म का ऑप्शन होगा, आप इस पर क्लिक करना सिंपल। ये प्रिपेयरिंग पूरे होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ कैमरे का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप रिकॉर्ड नहीं करना चाहते तो गैलरी का भी ऑप्शन है। अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से सिंपली रिकॉर्ड करें किसी भी तरह से, जिस तरह से आपको वीडियो चाहिए। वरना तो आपकी गैलरी में अगर वीडियो सेव है, आपकी खुद की वीडियो पहले से ही सेव है, तो सिंपली वीडियो के ऑप्शन पर टैप करेंगे, यहाँ गैलरी में ले आएगा। आप यहाँ से अपनी वीडियो सेलेक्ट कर लें। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जैसे आप सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको सेव का ऑप्शन दिख रहा है, प्रोसेसिंग योर वीडियो। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरह से ये वर्क करेगा। ठीक है, अब ये देखिए, अब यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहा होगा नेक्स्ट का। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपकी वीडियो आ गई है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ आप माइक का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप कुछ भी रिकॉर्ड करके अपना खुद का लगा सकते हैं अपनी वॉइस में। ऊपर आपको कैंची का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप अपनी वीडियो कट कर सकते हैं अपने हिसाब से। उससे ऊपर ऑप्शन दिया गया टेक्स्ट का, आप यहाँ टेक्स्ट में कुछ भी लिख सकते हैं, अलग अलग तरह से बहुत अच्छा टेक्स्ट लिख सकते हैं अपने हिसाब से। उससे ऊपर वाला ऑप्शन दिया गया है फोटो ऐड करने के लिए। ठीक है दोस्तों, आप अपनी वीडियो में फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने जैसे बताया फ़ोटो में इफेक्ट बताया, यहाँ भी आप इफेक्ट लगा सकते हैं। ये देखिए, अलग अलग तरह के इफेक्ट हैं, यहाँ नीचे बहुत सारे ढेरों इफेक्ट हैं, आप कोई सा भी इफेक्ट लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ म्यूज़िक का ऑप्शन भी दिया गया है, यहाँ से आप म्यूज़िक लगा सकते हो। जैसे मैंने वहाँ बताया वैसे ही फ़ोटो वाले में बताया, ऐसे ही सिंपली यहाँ है। तो ऐड म्यूज़िक का ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर भी। देखिए कितने सारे म्यूज़िक हैं, आप सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ आप इफेक्ट के हिसाब से भी लगा सकते हैं। ये देखिए कितने सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको अपनी वीडियो को सेव करना है तो सिंपली आपको करना क्या होगा, यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से अपनी वीडियो सेव कर सकते हैं और पोस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप यहाँ से पोस्ट करेंगे, पोस्ट करने के बाद अगर आपकी वीडियो कोई देखता है या आप किसी की वीडियो देखते हैं तो आपको पैसे मिलेंगे। और मैं आपको एप्लीकेशन का सीधा सीधा नाम बता देता हूँ। आपको सिंपली प्ले स्टोर में आने, प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ आपको सिंपली लिखना है रिजल ऐप। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया है, ये आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह का एप्लीकेशन का इंटरफेस आ जाएगा। लेकिन आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करें दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।